ट्रेड विद कामरान भवानी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं YouTube का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वीलॉग के अंदर बताया गया था कि मार्केट आपकी 85% डिस्काउंटेड है और मार्केट में देखा जाए तो 15% नीचे के चांस है, जबकि 85% मार्केट में रिबाउंड के चांसेस है। कल के दिन में आपको एक लेवल दिया गया था कि 39,500 का लेवल, मार्केट का ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है स्टार्टिंग में 10 बजे तक, तो मार्केट आपकी 39,500 से लेकर 40,000 मार्केट की रेंज होगी। उसके साथ ही आज हमने देखा कि स्टार्टिंग में एक न्यूज़ आई कि गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि सर्कुलर जो डेट है उसको कम किया जाए और उसकी वजह से हमारी मईशत भी यानी बेहतर हो सके और स्टॉक मार्केट भी बेहतर हो सके। उसका बेनिफिट अगर हम देखें तो यानी कि PDF, OGDC, जबकि देखा जाए तो मुख्तलिफ PSO, PPL, SNGPL, SGCL, इनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर सर्कुलर डेट कम हो जाता है। आज हमने देखा कि यही स्टॉक परफॉर्म भी करते हुए नजर आए। स्टार्टिंग में मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और हमने ये देखा कि एक टाइम में मार्केट आपकी 300 से ज्यादा पॉइंट प्लस कर गई, लेकिन फिर यही था कि मार्केट जब इतने पॉइंट प्लस कर गई थी तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से थोड़ी एडजस्टमेंट थी। मार्केट ने एक टाइम में 12 पॉइंट जस्ट स्लाइटली नेगेटिव नजर आई और उसके बाद फिर हमने देखा कि मार्केट स्लोली ग्रेजुअली आपकी रिकवर करती गई और मार्केट ने हाई बनाया 39,926 का और क्लोज रही मार्केट 39,838 के करीब, 495 पॉइंट के साथ पॉजिटिव क्लोज रही। इसके बारे में कॉल दी गई थी कि स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम हम बताते गए कि मार्केट ने आज क्लोजिंग पॉजिटिव देनी है और हायर साइड पे देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव क्लोजिंग रही। वॉल्यूम्स देखें तो 193 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा है। कल 165 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ। इसके साथ ही अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर एंड टॉप गेनर देखें जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, टॉप वॉल्यूम लीडर जिसमें CNG, पाकिस्तान रिफाइनरी, TPL प्रॉपर्टीज, ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स देखें तो रिफाइनमेंट, बाटा यानी कि बोलेरो टेक्सटाइल, ये आपके टॉप गेनर्स रहे। जबकि अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो नेस्ले, महमूद टेक्सटाइल, हमारी पेट्रोलियम, ये आपके टॉप यानी डिक्लाइनर हमने देखे। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो आज सेक्टर वाइज में ऑयल एंड गैस सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहा 92 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि टेक्नोलॉजी 65 पॉइंट, कमर्शियल बैंक, केमिकल, सीमेंट सेक्टर आज तकरीबन देखा जाए जो हर वक्त हम देखते हैं कि मार्केट में एक ब्लड बात होता है, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं आज इसका अगर उलट करें तो आज ग्रीन बात रहा, क्योंकि आज तमाम सेक्टर्स आपके पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो पेपर एंड बोर्ड सेक्टर, ऑटोमोबाइल, केबल इलेक्ट्रिक, ये आपके नेगेटिव रहे। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस वक्त जो मार्केट आपकी गिर रही थी मुसलसल, उसके हवाले से अगर देखा जाए तो एक कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा ही होता है, तो आज एक और भी गुड न्यूज जनरेट हुई। एक और गुड न्यूज आई कि जो सुपर टैक्स था, यानी कि कोर्ट की तरफ से देखा जाए तो सुपर टैक्स का जो केस था उसको 2 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया गया। मुख्तलिफ हाउसेस की तरफ से इसके बारे में बताया जा रहा है और ये अच्छा और एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि सुपर टैक्स की दो महीने के लिए जो रिवर्स कर दिया गया तो उसमें यह बेनिफिट होगा जो दिसंबर ईयर क्लोज हो रहा है तो कंपनीज ने अपना अनाउंसमेंट देने तो उनकी EPS अच्छी रहेगी और उनकी EPS अच्छी होगी तो उसमें यही होगा कि जो हमारी स्टॉक मार्केट एक बैठी हुई है उस स्टॉक मार्केट में हम देखेंगे कि बहुत सारी यानी कि प्राइस ऐसी हैं जो हाईली डिस्काउंटेड है तो एक अच्छा मौका नजर आ सकता है और ऐसी कंपनीज इंप्रूव कर सकती है। जिसमें अगर देखा जाए तो सुपर टैक्स के हवाले से एक रिपोर्ट आपके सामने है जिसमें इन कंपनीज की EPS में इतना फर्क पड़ सकता है, जैसे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी है, अब इसमें देखा जाए तो PSO की EPS के ऊपर 2800 का फर्क पड़ सकता है। ये मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के हवाले से यानी EPS बेहतर हो सकती है। अच्छा, सेकंड नंबर पे ये कि इस तरह की जैसे जो पॉजिटिव फर्क पड़ता है इसी वजह से हम देख रहे थे PPLP डेटा के अंदर लास्ट 3 डेज से मुसलसल बैंक आपका बाइंग साइड पर था, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि बैंक को इन न्यूज़ के बारे में आगाही थी तो मुसलसल 3 दिनों से बाइंग साइड पर था। इसके अलावा कंपनीज बाइंग कर रही थी, म्यूचुअल फंड के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कोई खास सेलिंग नहीं थी, इंडिविजुअल्स थोड़े घबराए हुए थे और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से हमने थोड़ी बहुत यानी गिरावट देखी, लेकिन जो मेजर बायर्स थे बैंक्स, कंपनीज, और जबकि देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में भी स्लाइटली बाइंग थी। तो इसके साथ ही इसके अलावा अगर हम देखें तो IMF के मुतालबे पर 20 लाख छोटे दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने का मिशन है
इसके अलावा बिल में वफाकी हुकूमत को खसूसी स्कीम लाने का भी इख्तियार दे दिया गया है और मुल्क के 20 लाख जो जो टैक्स नेट से बाहर हैं टेलर्स उनको भी टैक्स नेट में लाने की बात की गई। इस सेक्टर को टैक्स नेट में लाना चाहते हैं और कानून के तहत वफाकी हुकूमत मुनासिब वक्त पर स्कीम ला सकेगी, यानी कि IMF की तरफ से ये इजाज़त भी दे दी गई है। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसाइड हुआ है कि जो फॉरेन नेशनल इलीगल जो सिंध में रह रहे हैं उनको भी यानी आउट किया जाएगा और उनको बाहर निकाला जाएगा। तो ये सही है क्योंकि हमारी हमारी मैशत के ऊपर बोझ पड़ता है। साथ ही अगर हम देखें तो फेडरल मिनिस्टर की यानी मीटिंग्स हुई है IT के हवाले से कि इसको सपोर्ट भी करेंगे और इसको फैसिलिट भी करेंगे। T-bills के कल ऑप्शन हुए जिसमें देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट बहुत हायर साइड पर था लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये काफ़ी हायर साइड पर था। लकी सीमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो लकी सीमेंट के जो यानी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया जो इंस्टॉलेशन वर्क जो था वो कंप्लीट हो चुका है, तो ये प्लस पॉइंट है लकी सीमेंट के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 98% यानी कि इसका रिकॉर्ड किया गया 98.84% रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि 1.34% यानी डाउन हुआ है। तो ये भी देखा जाए तो अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट डाउन हो रहा है तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो PT पॉलिटिकल साइड पर मुख्तलिफ कल तक काफ़ी ऐसा था कि जंग का एक समा था दोनों साइड से गवर्नमेंट की तरफ से भी और PTI की तरफ से भी, लेकिन हमने देखा कि रात तक कुछ ऐसा मामला नहीं हुआ। जो बातें कर रहे थे कि गवर्नर को डी नोटिफाई कर देंगे और इस तरह की चीज़ें कर देंगे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं है। PTI का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने का जो फैसला है वो मौखर कर दिया गया। डॉलर के हवाले से अगर हम देखें तो डॉलर आपका जो है इस वक्त 0.1% का इजाफा हुआ है, यानी कि 225.40 पर चल रहा था 225.43 के पास चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $79.70 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में हमने कहा था कि क्रूड ऑयल आपका बढ़ जाएगा, क्रूड ऑयल $80 से लेकर $85 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ, क्योंकि चाइना में COVID-19 यानी कि कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है और अब चीन के बाद भारत में भी कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा केसेस सामने नजर आए। तो इससे देखा जाए तो यानी कि एक दोबारा से एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है, लेकिन क्योंकि आपका क्रूड ऑयल पहले ही इन चीज़ों को डिस्काउंट कर चुका था, हाईली ओवरसोल्ड था, इसलिए बढ़ रहा है और 80 से लेकर 85 तक जा सकता है। सपोर्ट लेवल 77 अगर ब्रेक होगा तो डिस्काउंट करेगा। डॉलर इंडेक्स में आज देखा जाए तो एक 3 सेंट का इजाफा $103.88 के पास चल रहा है। तो जैसे कल भी हमने कहा था कि गोल्ड सिल्वर थोड़ा बढ़े तो सेल करें क्योंकि डिक्लाइन कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड सिल्वर अभी भी थोड़ा सा ओवरबोट है और करेक्शन की साइड पर जा सकते हैं जबकि करेंसीज आपकी मिक्स परफॉर्म कर रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी डॉलर हालात की वजह से थोड़ा हाई साइड पर रुका हुआ है, लेकिन अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है जैसे कि नेक्स्ट वीक के अंदर यानी कि देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से 1.69 अरब करोड़ डॉलर रिसीव होने, अगर वो रिसीव हो जाते हैं तो ना सिर्फ हमारे रिजर्व में इजाफा होगा और जो डॉलर के अंदर हम दबाव देखेंगे, बाकी अगर देखा जाए तो जो स्मगलिंग हो रही है डॉलर्स और उनको भी रोका जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से तो सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें तो 40,000 का यानी कि रेजिस्टेंस लेवल है और 39,600 का सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स का अगर इस वीक का देखें, अगर 2 वीक का देखें तो मार्केट तकरीबन 2200 पॉइंट माइनस थी कल तक और फिर उसमें से तकरीबन मार्केट ने 500 पॉइंट 400 पॉइंट मार्केट ने रिकवर किया है, लेकिन अगर इस वीक की देखें हाई लो के एतबार से तो 496 पॉइंट मार्केट अब भी ओवरसोल्ड है। मार्केट की जो कल क्लोजिंग होनी चाहिए क्योंकि कल फ्राइडे है, 2 सेशन होंगे, तो उस हिसाब से जो क्लोजिंग होनी चाहिए 40,334 से अबव होनी चाहिए, जो कि मार्केट आपकी तकरीबन 496 पॉइंट अब भी ओवरसोल्ड है। अच्छा, सेकेंड नंबर पर अगर हम देखें तो इंडेक्स के हवाले से साल के हिसाब से कल तक मार्केट 3,800 पॉइंट के अराउंड मार्केट हाईली ओवरसोल्ड थी, मार्केट ने आज कुछ कवर किया है और अब 3285 पॉइंट ओवरसोल्ड रह गई है। अभी नेक्स्ट वीक बाकी है, कल का दिन भी और नेक्स्ट वीक बाकी है, उम्मीद है कि ये पॉइंट्स भी कवर हो सकते हैं, मार्केट पोटेंशियल रखती है कि 3,000 पॉइंट भी गेन कर सकती है, तो ओवरसोल्ड का मतलब यही होता है। इसके अलावा अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें तो देखिए कल यही बताया गया था कि 39,500 जुलाई के अंदर ये यानी कि लेवल आया था, और उससे पहले हमने आपको एक चार्ट भी शेयर किया था ग्राफ के हवाले से कि देखिए मार्केट आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिर चुकी है और मार्केट यानी कि अपना जो 39,500 का लेवल जब तोड़ा था तो यही हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, और कल के दिन में आपको ये बताया गया था कि अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है तो मार्केट आपकी मूव करेगी अपसाइड की तरफ। हमने देखा कि मार्केट ने इस लेवल के ऊपर यानी कि कंसोलिडेशन फेज में रही और जैसे इस लेवल को सस्टेन किया एक शॉर्ट पुल बैक नजर आया मार्केट के अंदर, जो कि आज 450 पॉइंट की सूरत में हमें पॉजिटिव नजर आया।
अच्छा, इस वक्त अगर हम कल के वाले से देखें तो देखें स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो 40,000 यानी कि 40,000 का लेवल स्टार्टिंग में हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, यानी सुबह 10 बजे तक इंडेक्स की जो क्लोजिंग है 40,000 से अबव आ जाती है तो इंशाल्लाह जो टारगेट होगा हमारा इंडेक्स का 40,480 का टारगेट होगा, यानी कि 40,400 से लेकर 500 का टारगेट होगा मार्केट का, अगर कल सुबह 10 बजे तक 40,000 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है और मार्केट इसको सस्टेन कर लेती है तो मार्केट की जो नेक्स्ट मूव होगी 40,400 से लेके 500 तक की मूव होगी अपसाइड की तरफ। अच्छा, इंडेक्स का सपोर्ट लेवल है 39,000, यानी कि देखा जाए तो 650 का लेवल है, यानी कि मार्केट अगर स्टार्टिंग में 10 बजे तक 39,650 से नीचे क्लोज होती है तो फिर मार्केट आपकी गिरावट की तरफ होगी, मार्केट डिक्लाइन करेगी। लेकिन चूंकि मार्केट आपकी शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट अभी भी मार्केट के अंदर गुंजाइश है कि मार्केट बढ़ सकती है और हायर साइड पे जा सकती है, और जिस तरह आज जो स्टॉक क्लोज हुए हैं जैसे कि रिफाइनरी आपका हायर साइड पे क्लोज हुआ है तो एक्सपेक्टेड है कल मजीद थोड़ा हायर पे ओपन होगा, फिर इसके अलावा टेक्नोलॉजी थोड़ा बूम पे ओपन होगा, ऑयल सेक्टर आपका थोड़ा हायर पे ओपन होगा, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट कल 40,000 का लेवल भी ब्रेक कर लेगी और उसको सस्टेन भी कर लेगी और इसके बाद हम देखेंगे मार्केट के अंदर एक अच्छी मूव आ सकती है, एक सरप्राइज एक अच्छी मूव आ सकती है। इसके अलावा अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर मार्केट ने आज बेहतर क्लोजिंग दी है और मार्केट में अगर वॉल्यूम वाइज भी देखें तो जो कल के वॉल्यूम थे KEC 100 इंडेक्स के तकरीबन देखा जाए 65 मिलियन के थे, लेकिन आज अगर हम देखें तो वॉल्यूम में भी इजाफा है KEC 100 इंडेक्स पे 86 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन यही है कि डे के चार्ट के ऊपर जो हमारा सपोर्ट लेवल है 39,500 का लेवल है और डे के चार्ट के ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है 40,000 का लेवल है। अगर 40,000 का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन हो जाता है तो जिस तरह पहले हमने आपको एक मूव के बारे में बताया था कि 39,500 का अगर सस्टेन होगा तो 500 की मूव बनेगी, यानी 39,500 से लेकर 40,000, लेकिन कल के दिन में अगर 40,000 से अबव क्लोजिंग आती है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो मार्केट की जो रेंज होगी 40,000 से लेके 42,000 की रेंज होगी मार्केट की, तो कल का बहुत इंपॉर्टेंट डे है। अगर 40,000 से अबव क्लोजिंग आती है तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा और जिस तरह की न्यूज है उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपकी अब भी चीप लेवल पे और अब भी मार्केट के अंदर पोटेंशियल है कि मार्केट हाई साइड पे जा सकती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहे, स्पेशल ग्रुप में टाइमली स्टॉक के हवाले से इंडेक्स के हवाले से अपडेट दी जा रही होती है, मेरी टीम मेंबर्स के नंबर भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे होते हैं, मेरी टीम मेंबर को भी कॉल कर सकते हैं कौन सा स्टॉक कितने परसेंट डाउन है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा, तो उस स्टॉक में आप एंट्री ले सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा, आज भी अगर देखा जाए तो हमने यानी कि सुबह के टाइम ये ओवरसोल्ड स्टॉक शेयर किए थे जिसमें हमने ये बताया था कि ATRL 83% डिस्काउंटेड है, अगर जब लेवल चल रहा था ATRL का 125 के पास रेट चल रहा था, हमने कहा था कि 83% डिस्काउंटेड है, अगर आप यहां से बाय करते हैं तो आप इसको अपसाइड की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं, तो आज अलहमदुल्ला इसमें ऊपर का लॉक लगा। सेकंड नंबर पे पाकिस्तान रिफाइनरी 99% ओवरसोल्ड था जब 1280 के पास चल रहा था और इसमें हमने देखा कि 1350 तक का हाई लगा। नेट सोल में 98% डिस्काउंटेड था जब 80 रुपए के लेवल पे था। इसी तरीके से अगर हम देखें तो टीपीएल प्रॉपर्टीज भी था, बलूचिस्तान ग्लास 9 रुपए के लेवल पे था, 98% डिस्काउंटेड था, और इसके साथ ही टीआरजी के बारे में 99% डिस्काउंटेड था यानी कि 108 और 9 के लेवल पे, तो फिर हमने देखा 117 का हाई लगा। इस तरह परसेंटेज बताई जा रही होती है, उससे ये आइडिया हो जाता है कि ये स्टॉक आपका इतना परसेंट डिस्काउंट हो चुका है, बढ़ने की जगह 98% है, गिरने की जगह यानी कि 2% है, और आज हमने यही देखा कि इन स्टॉक्स में रैपिडली इजाफा हुआ और इन स्टॉक्स के अंदर ऊपर के लॉक भी कुछ स्टॉक्स में नजर आए और कुछ स्टॉक्स में तेजी भी रही। इस तरह की हम ओवरबोट लिस्ट भी शेयर कर रहे होते हैं, ओवरसोल्ड लिस्ट भी शेयर कर रहे होते हैं, अगर आप स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टीम मेंबर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया, कामा मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज़।